हेलो जय गुरुदेव जी सा, हमारे चैनल राज पुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। फिर से हो गया एक नया दिन और हो चुकी है नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी बच्चे स्कूल चले गए और सब अपने अपने जो डेली रूटीन का काम होता है उसमें लग गए, तो हम अपने एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी बज रहे हैं 10 और हम लोग आए हुए हैं यहाँ मंदिर में, शिव जी का मंदिर। आज मंडे है तो हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम आए, नवचंडी का यज्ञ है तो वहाँ पे हमारा इनविटेशन है, तो पहले हम लोग मंदिर आए और फिर हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। अभी हम सब ने यहाँ पे दर्शन कर लिए, बच्चे गए स्कूल, उनके खाना घर पे बना के आए हैं। ये मासी, जय गुरुदेव बोल मासी। ये यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, रामेश्वर महादेव। ये यहाँ बाहर का नज़ारा, और हम लोग आ गए घर, बच्चे भी आ गए, सृष्टि करने गई है चेंज और ये दोनों बैठ गए खाना खाने और मैं यहाँ बना रही हूँ गरम गरम रोटी। अभी बज रहे 2 और बच्चों ने खाना खा लिया, हम भी आ गए थे वहाँ से खाना खा के। ये देखो, ये स्कूल से आते ही ये सारे ऐसे बेड पे डाल देते हैं और वो सो गए खुद तो, और मैं अभी अवेरूंगी इनका ये पूरा बिखेरा। उससे पहले मुझे काम करना, वो करूँगी मैं पहले। मैं ये सुबह में मैंने गेहूँ चक्की चालू की थी तो उसके गेहूँ का दलिया बनाया था, वो मैं मेरा पेंडिंग रह गया था काम, फिर हम लोग खाना खाने चले गए थे, इसलिए इसको इसमें से आटा निकाल लूँगी और दलिया दलिया ये कर दूँगी, फिर हम लोग करेंगे रेस्ट। और साथ में भी मैंने ये बाजरी भी पीसी थी सुबह, मैंने चक्की चालू की थी तो अब मैं इसको छान लूँगी और फिर है रेस्ट टाइम। पे मैंने दलिया हो गया तैयार छनकर, इसको मैंने 3-4 बार छलनी से छाना तभी ये ऐसा निकला है, ये देखो। और ये इसमें से जो आटा निकला वो बड़ा बड़ा आटा, इसको इस थैली में भर दिया। वैसे ये भी हमारे काम में आ ही जाता है, बाटी में और जो पराठे बनाते हैं उनमें भी यूज़ ले लेते हैं। और ये तो रोज़ सुबह इसका नाश्ता बनता है इसलिए ये भी चाहिए, तो मैंने आज ये सुबह में चक्की चालू की थी। अभी बज रहे हैं 6 और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। और है मम्मी जी कटना, मम्मी कटना है, बाय। अच्छा स्वामीनारायण मिंदर, और यहाँ कर रहे हैं बच्चे पढ़ाई। और हम लोग अभी बना रहे हैं यहाँ फूल गोभी की सब्जी, जिसके लिए हमने इसको काट के कर लिया तैयार। इसमें ये मटर भी छिलके डाल दिए और गैस पे चढ़ा दिया है पैन, और पैन में चढ़ा दिया है तेल। ये हो गई है मासी सब्जी बनाने के लिए रेडी। और मासी दूसरी क्या बनाने वाली आज? राजस्थानी खटा मतलब राजस्थानी कड़ी, बाजरे की रोटी और कड़ी। मुझे तो ना बाजरी की रोटी इसके साथ में अच्छी लगती है, फूल गोभी की सब्जी के साथ में। तो अभी से बना लेते हैं पहले। बना रहे हैं हम कड़ी, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं खाटा। इसके लिए हमने ये छाछ में बेसन घोल लिया और थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्दी हमने इसके अंदर घोल के अंदर ही डाल दी है। और ये 4 छोटे छोटे प्याज कटे और 2 हरी मिर्च ले ली और लहसुन को इसमें कूट लिया और यहाँ पे चढ़ा दिया तेल। इसमें डाल दिया जीरा, ये राई, हींग, और अब ये प्याज और हरी मिर्च कटी वो अच्छे से डाल दी और इनको मिक्स कर दिया।
अब इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे। ये मेथी के दाने पहले डालना भूल गए इसलिए अब डाल रहे हैं। अब इस कड़ी के घोल में ये मसाला पक गया, ये इसके अंदर डाल देंगे। पहले मैंने ये कड़ी का घोल बैटर तैयार किया था तो मसाला पूरा इसमें डाल दिया। हम जो डेली कड़ी बनाते हैं उसमें हम हरी मिर्च डालते हैं और इसमें लाल मिर्च और प्याज डालें। डेली की कड़ी में हमारे प्याज नहीं होते हैं इसलिए ये अलग से हमारी राजस्थानी कड़ी हो गई। ये सबको बहुत पसंद भी आती है क्योंकि हमेशा वही कड़ी खाते हैं तो आज ये अलग से। और इसको अच्छे से बराबर से मिक्स कर देंगे और ये थोड़ी दूर में रेडी हो जाएगी हमारी राजस्थानी कड़ी। ये यहाँ पे कड़ी बनने को हो चुकी है तैयार और ये सब्जी भी बनकर हो चुकी है रेडी। मासी कर रही है दिया बत्ती। मासी आज तूने राजस्थानी कड़ी बनाई है ना तो मैं तुझसे एक पहेली ही पूछना चाहती हूँ। पूछू क्या? पूछ। तो अगर एक मुर्गा सुबह सुबह अंडा देता है तो उसको मालिक को वो कितनी बजे मिलेगा? यूवी अब तुझे नहीं देना आंसर, ताईजी को ही देना है। दूसरा सवाल पूछ लूं? रेडी है? मतलब एक आदमी अंधेरे में कमरे में बंद था, उसके पास में थी लालटेन, गैस और माचिस की वो डब्बी, तो वो पहले क्या जलाएगा? माचिस जलाएगा। इस बार ताईजी ने जवाब राइट दिया। और यहाँ पे किसु वही माइंड गेम खेल रही है जो कल मैंने उसके और यूवी के साथ में खेला था। आज किसु वापस से वो गेम खेल रही है इन लोगों के साथ में।